खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर अंतर्गत ग्राम सुवा कौड़िया से है, जहां आरसीएम कंपनी द्वारा डिस्प्ले वाल सहायता केंद्र खोला गया, जिसके लिए बतौर एक्सपर्ट सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा ने उपस्थित ग्रामीणों के बीच घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में भली भांति समझाते हुए कहा कि संपूर्ण रूप से शुद्ध भोजन व स्वस्थ भोजन के लिए आरसीएम द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों का सेवन करें, इससे शरीर में होने वाले कई रोगों से मुक्ति मिलेगी। आरसीएम के प्रोडक्ट सस्ते दर पर आपके सहायता केंद्र पर भी सभी वस्तुएं उपलब्ध है। यह कंपनी पूरे देश को स्वस्थ, रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण पर बृहद रूप से कार्य कर रही है। जो भी व्यक्ति इस कंपनी से जुड़ते हैं वह स्वस्थ शरीर के अतिरिक्त स्वस्थ परिवार सहित स्वावलंबन के क्षेत्र में भी मजबूत होते हैं। कंपनी द्वारा निर्मित कुछ वस्तुओं से होने वाले लाभ से संबंधित डेमो दिखाया गया कि कंपनी के वस्तु के इस्तेमाल के बाद यह कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ और शक्तिवर्धक बनाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति परिवार के लिए जरूरी है। कंपनी के द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कंपनी के सिस्टम के साथ कुछ प्रतिक्रियाएं पूरी करनी है, जिसे आप सुविधा केंद्र पर आकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कंपनी से जुड़कर भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आपको बताते चले, यह सुविधा केंद्र ग्राम कोड़िया आखड़ा टोला स्थित शिक्षक विनय कुमार सिंह के घर में खोली गई है। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन पर आरसीएम डायरेक्टर मार्केटिंग एक्सपर्ट सत्येंद्र विश्वकर्मा के साथ खास बातचीत। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, जनता की आवाज, और मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं खबरों के अलावा एक ऐसे शख्स से मैं आप सबको मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो कहीं ना कहीं इस देश के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता को भी इस देश के निर्माण में अपना सहयोग करने का अवसर प्रदान कर रही है। जी हाँ, मैं एक ऐसे शख्स से आपकी बात कराने जा रहा हूँ, आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनका नाम है सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, और ये गढ़वा जिले से हैं, और इस चिलचिलाती धूप में भी आज पलामू के धरती पर ये सुवा कोड़िया ग्राम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो इनका बिजनेस है, जो प्लान है, उसके अकॉर्डिंग एक डिस्प्ले सेंटर का आज यहाँ उद्घाटन किया गया है, एक कहिए आपकी सहायता केंद्र का ओपनिंग हुआ है। उसमें मैं उसके जरिए उसी मुद्दे पर बात करूंगा। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका द न्यूज रेवोल्यूशन में, और आज जिस मोटो को लेकर आप चल रहे हैं, जैसे आपके इस बैनर में दिख रहा है मुझे, स्वास्थ्य, रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, और उधर दिख रहा है, मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे दिखाइएगा, इधर दिख रहा है नए भारत का निर्माण, तो ये किस तरह से संभव है और इसमें जनता का क्या सहयोग हो सकता है, इस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके न्यूज चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इस सिस्टम का जो उद्देश्य है, आज हमारे देश में कोई भी प्रोडक्ट बनती है और कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है, इसके बीच में कुछ बीच वाले लोग हैं, जैसे प्रचार होता है, एडवर्टाइज होता है किसी भी प्रोडक्ट का, और वो होलसेलर, एजेंसी, डीलर, रिटेलर के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचता है कोई प्रोडक्ट। इस बीच में आज बहुत सारी मिलावटें हो रही है, डुप्लीकेसी का शिकार हो रहे हैं, और इस सारा चीज, ये सारा प्रभाव एक आम जनता पे पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से, खून पसीना से मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और गाढ़ी कमाई करने के बाद वो पैसा एक खास व्यक्ति को जाता है, और उसके बाद बदले में एक मिलावट भरी सामान पाते हैं। इसके चलते आम आवाम को कम समय में बहुत सारी बीमारियां हो रही है, और आज हमारा देश बीमारी की ओर काफी आगे बढ़ रहा है, जिससे इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम बचा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक ग्राहक के रूप में होते हैं, और जो सामान बनाता है वो कंपनी होते हैं। बीच वाले लोगों की जरूरत क्या है? एक सुविधा देने के लिए था, एक दूसरे तक सामान पहुंचाने के लिए एक माध्यम थे, लेकिन उस माध्यम में वो नजर फायदा उठाते थे। तो आज बीच वाले को हटाने के बाद एक नई सिस्टम का जन्म होता है, हमारे देश में भारत सरकार ने उसकी मान्यता भी दी, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, इसको बोलते हैं सीधी प्रणाली। कोई भी प्रोडक्ट एक आम जनता तक पहुंचे, इसको सीधी प्रणाली बोलते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? पहला चीज, आम आवाम की स्वास्थ्य की रक्षा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है मिलावट से वंचित रहेगा, मिलावट युक्त प्रोडक्ट नहीं आएगा बल्कि शुद्ध प्रोडक्ट आएगा। दूसरी बात यह होगा कि स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ लोगों को, अभी तो लोग परेशान है बेरोजगारी से, काफी परेशान है, और ये रहेगा ही, क्योंकि जितना हमारे देश में रोजगार क्रिएट होगा उससे कई गुना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, तो रोजगार सबको कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है,
और इसमें आत्मनिर्भरता की बात जहां तक आती है तो सभी लोग इससे आगे बढ़ेंगे, उनके एक बचत के साथ साथ लोगों को एक संगठन बनाएंगे तो एक रोजगार क्रिएट होगा और उनको पैसे कमाने की जरिया भी तैयार होगी, क्योंकि जो बीच वाले पैसा कमाते थे वो पैसा 50% पैसा इन आम आवाम के बीच में बढ़ने का, तो ये रोजगार क्रिएट करने का बहुत बड़ा माध्यम है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत पर ये काम कर रही है। तीसरी फायदा क्या है, तीसरी फायदा है हमारा देश, हमारे देश में महिलाएं महिलाएं पूरी तरह से पूरे दुनिया के लिए रीढ़ की हड्डी है। अब ये जो है ना कैसे संपन्न हो पाएंगे, कैसे सशक्त हो पाएंगे, इस पर हमारी सिस्टम काम कर रही है। इस सिस्टम के अंतर्गत गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक टोटल प्रोडक्ट मिलती है, साथ में हर महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन का भी प्रोडक्ट है, हाइजीन का भी प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से महिलाएं अपने आप को खूबसूरत भी बनाती है और खूबसूरती के साथ साथ जो खूबसूरती पर पैसा खर्चा करते थे इसके शुद्ध प्रोडक्ट से उनके स्वास्थ्य सही हो जाता है और खूबसूरती वाला प्रोडक्ट से अपने पैसे कमाने का जरिया भी तैयार कर पाते हैं, तो हर महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे भारत के लिए एक अर्थव्यवस्था को मजबूत कड़ी में लाने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम है, क्योंकि बाहर के बाजारों में लोग कच्चे बिल भी नहीं देते हैं, पक्का बिल के साथ खरीदारी नहीं करते हैं, इसका मतलब वो टैक्स नहीं भरता है अगला आदमी जो सामान बेचता है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से अगर ₹1 से लेकर ₹1000 तक कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं आपको पक्का बिल के साथ खरीदारी होती है, तो आप देश हित में काम करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर एक जुनून हो, एक जोश हो कि हम देश हित में काम करें, तो ये यहां से पक्का बिल के साथ जब खरीदारी करेंगे तो अगला टैक्स भरेगा और जब टैक्स भरेगा तो देश हित में वो पैसा काम आएगा और इसलिए हमारा देश मजबूत बनेगा। क्योंकि मैंने सुना है, मैंने देख भी रहा हूं कि भारत जब से आजाद हुआ है तो कहा जाता है कि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन विकसित होगा क्या, इसकी कामना सब लोग करते हैं कि उस राह पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हर व्यक्ति का आय नहीं बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत कभी भी संपूर्ण तरीके से विकसित नहीं हो सकता है, तो उस विकसित भावना से काम करने के लिए इस सिस्टम में मैं आया हूं। धन्यवाद। एक चीज और मैं क्वेश्चन करूंगा, जैसे आपने आपके बैनर में लिखा हुआ महिला सशक्तिकरण स्वावलंबन, तो या फिर नए भारत का निर्माण, इसमें आम जनता या हमारे दर्शक किस रूप में काम कर सकते हैं और कैसे वो नए भारत का निर्माण में सहयोग कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे एक आम आदमी अपना पैसा को अपने घर को चलाने के लिए पैसा खर्च करते हैं सर, जैसे किसी के घर में 5000 से खर्चे से घर चल जाता है, किसी के घर में 10000 से खर्चे से घर चलता है, किसी के घर में 3000 से खर्चे से घर चलता है, किसी के घर में 20000 का भी खर्चा होता है, लेकिन उस खर्चे का कभी अगर आकलन कर ले कि केवल जा रहा है, उसके पास आने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10-25% तुरंत हाथों हाथ छूट मिलता है सिस्टम के माध्यम से, और शरीर भी स्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य भी सही होता है, और उसके साथ साथ प्रत्येक महीना में जितना उनका परचेज वैल्यू बनता है उसके हिसाब से उनके खाते में कुछ बचत भी जाता है, इस तरीके से अपने पॉकेट मनी को ठीक कर पाते हैं और उनका धीरे धीरे एक रोजगार क्रिएट होता है। जब यहाँ संगठन बनता है तो हर व्यक्ति का एक संगठन में उनका जो परचेज वैल्यू जुटता है तो एक अच्छा खासा उनका एक बिजनेस तैयार होता है और वो पैसे कमाने का जरिया तैयार कर पाते हैं, ये व्यक्ति को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का काम होता है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है तो महिलाएं और बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं, क्योंकि महिला क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्ट है घर से जुड़ा हुआ हर चीज प्रोडक्ट है, तो महिला इससे और बेहतर काम कर पाती है, और जो हाइजीन का प्रोडक्ट है तो महिलाएं बहुत ज्यादा बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाती है, इसलिए यहाँ पर महिला आज जो आप लोगों ने जो आउटलेट ओपन किया है, जो डिस्प्ले सेंटर ओपन किया है, एक तरीके से कहिए आप इसको सहायता केंद्र भी बोल सकते हैं, सुविधा केंद्र बोल सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का एक सुविधा केंद्र है, तो इस सुविधा केंद्र से लोग परचेज क्यों करें, और भी मार्केट्स में या और भी इस क्षेत्र के अंदर दुकानें हैं उससे क्यों नहीं, इसमें क्या आप कंपेरिजन करना चाहेंगे? इसका जो प्रोडक्ट है सर, जो डायरेक्ट सीधी पहुंचा है कस्टमर के पास, और ये जो डिस्प्ले वाला जो ओपनिंग हुआ, ये सीधी सुविधा केंद्र, ये लोगों की आम आवाम की सुविधा के लिए है, वो व्यक्ति सेवा की भावना से उन्होंने इस दुकान को डिस्प्ले वाल को ओपनिंग की है, ये आम आवाम यहाँ पे आसपास के लोगों की सुविधा दे सके, क्योंकि ये इसका नारा है सर कि भारत को सशक्त, नए भारत का निर्माण करना है हमें, नए भारत के निर्माण पे जब काम करनी है तो हर जन तक जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे तब तक इसकी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, और तब तक लोग सशक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक लोग स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, तब तक लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे, लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हमें हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है, तो इस मुहिम को छेड़ दिया है, अभियान को चल दिए हैं, तो हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सुविधा को सुविधा केंद्र को खोला गया है, क्योंकि इसका हर एक प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक के साथ साथ वाजिब कीमत पे है, इसका जो कहा जाए इन द सेंस में कि इसका सारा प्रोडक्ट इंडियन रेट के हिसाब से है, इंडियन कल्चर के हिसाब से है, और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से है, यानी कि आम आवाम की जो खोज है उसके हिसाब से है, इसलिए बाहर के मार्केट से बेहतर है।
और आपके जो जो भी ग्रोसरी के आइटम्स है उस आइटम्स में और जो बाहरी के आइटम जो लोकल दुकानों में मिलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसा बताएं जिससे जनता या फिर हमारे दर्शक उसको समझ पाए और आपके आउटलेट से सामान खरीद सके। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं सर, आज बच्चे, हम बच्चों पे ही ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है सर कि आज बड़े शौक से हर इंसान अपने बच्चे को बिस्किट, भुजिया, मिक्सचर, उसके साथ साथ कुरकुरे, बहुत सारा चीज आज दे रहे हैं सर। देखा जाए तो उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा जिंदगी पर खिलवाड़ किया जा रहा है सर। वो जो कुरकुरे या ये भुजिया बिस्किट मिक्सचर बाजार का है सर, सब ताड़ के तेल से छना हुआ बना हुआ है सर। और अब ताड़ का तेल सर हमारे देश में साबुन बनाने के लिए आयात किया गया था, ये नहीं कि भारत के हर व्यक्ति को खिलाने के लिए आयात किया गया था, लेकिन वो ताड़ का तेल से जब वो पैकेट तैयार हो रहा है सर, चाहे कितना भी बड़का ब्रांड हो उसके साथ भी यही कंडीशन है सर। और वो वनस्पति आयल ताड़ का तेल आज लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ताड़ का तेल से सर हार्ट, बीपी, शुगर, लिवर, किडनी सब डैमेज हो रहा है, जितने भी क्रोनिक बीमारियां, कैंसर, तांत भी सर उससे पैदा हो रहे हैं सर, वो बीमारी पैदा हो रही है और लोग उसको धड़ल्ले से सर दे रहे हैं और लोग बेच भी रहे हैं। लोग बड़ी खुशी के साथ कह रहे हैं क्योंकि वो जिसकी लत लग जाती है जीभ से ना, वो जल्दी छूटता नहीं क्योंकि वो लत लगाने में भी माहिर होते हैं। तो आज उसी से बना हुआ मार्केट में तेल से बना हुआ वो जो है सर प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ सर जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो राइस ब्रान तेल से बना हुआ है सर, और राइस ब्रान तेल में सर सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, तीनों फैट बैलेंस मात्रा में है, इसलिए वो तेल जो है बेहतर होता है लाइफ के लिए। और उसी तेल से बना हुआ सारा प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है सर, इसलिए बाजार से बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर है सर, और रीजनेबल प्राइस में है सर, आम आवाम के पहुंच तक है सर, इसलिए बेहतर है बाजार से। आपके इस आरसीएम के जरिए कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति को या हमारे दर्शकों को इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा दर्शकों को बता पाएंगे? बिल्कुल सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मार्केट में जितने भी तेल मिलते हैं सर, पहले तो राइस, ये सरसों का तेल हमारे उत्तर भारत के सभी लोग यूज करते हैं ज्यादा। सरसों का तेल सर रियल में अगर माना जाए तो मालिश के लिए बहुत बेहतर है सर, लेकिन उसको यूज करते हैं ना तो उसका जो यूरिक एसिड उसके अंदर जो है सर, वो आज के लोगों के अंदर पचाने की क्षमता नहीं है सर, क्योंकि पहले के लोग मेहनत ज्यादा करते थे तो यूरिक एसिड बाहर आ जाता था पसीने के माध्यम से, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज आम आवाम को सर घुटने का दर्द हो रही है, एड़ी की दर्द हो रही है, अर्थराइटिस हो रही है, बहुत तमाम तरह का गैस हो रही है, लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है सर, वो पच नहीं पाता है सही तरीके से, इसलिए वो तेल आज के डेट में बेहतर नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ ओरिजिनल की बात मैंने किया कि जो ओरिजिनल सरसों तेल है, लेकिन आज जो मिलावटी हो रही है सर, मिलावटी जो हो रही है बिचौलिए के माध्यम से, उस मिलावटी से बचाने के लिए ही डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ है सर। और उसके डायरेक्ट सेलिंग में भी जो राइस ब्रान तेल है सर, दुनिया का नंबर वन तेल माना जाता है, क्योंकि ये बैलेंस मात्रा में फैट है सर, बाकी किसी भी तेल में बैलेंस मात्रा में फैट नहीं है, इसलिए इस तेल को सभी प्रेफर करते हैं अच्छे अच्छे लोग। और जो नहीं समझ पाए सर, उनको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, हर जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं सर। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने चैनल के जरिए ये अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा, जो इस बैनर में लिखा हुआ है स्वास्थ्य की रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग जो मार्केटिंग है, कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाया जा रहा है, और आप भी इसके जरिए अपने देश के, राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अजय सिंह अपने सहयोगी संवाददाता के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।